नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। टीवी मीडिया अपने काले दौर से गुजर रहा है। तमाम तरीके की खबरें आती हैं, कहीं गोदी मीडिया बताया जाता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि जो सरकार की गोदी में नहीं बैठ रहे वो गोदी मीडिया है, दूसरा पक्ष कहता है कि जो उनकी गोदी में नहीं बैठ रहे वो गोदी मीडिया है। इस तरह की तमाम बातें चलती हैं, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। चौंकाने वाली खबर इस तरीके से ट्रेंड हो रही है जिसको कहा जा रहा है अर्णब गेट। अर्णब गेट के पीछे की वजह बताते हैं आपको। दरअसल बड़े टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के फाउंडर हैं और उसके साथ ही साथ वो एडिटर इन चीफ भी हैं, उनकी एक कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई है जिसमें वो BARC के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता से बात करते नजर आते हैं। उस पर बात जो चैट है उसमें ये कहा गया है प्रद्युम्न कि वो दास गुप्ता को बता रहे हैं कि एक बड़ी एयर स्ट्राइक कुछ भी होने वाला है, एक बड़ा कुछ होने वाला है जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अब लोग सवाल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पहले से कैसे मालूम हो सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है कि जब इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही हो तो ये टॉप ऑफिशियल्स को पता होती है, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हुए या आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हुए, लेकिन एक टीवी पत्रकार को इस चीज़ की अगर जानकारी थी ये बहुत गंभीर हो सकता है। बिल्कुल गंभीर तो अपने आप में हो जाता है क्योंकि ऐसी जानकारी PMO के पास सबसे पहले पहुंचाई जाती है, लेकिन PMO के साथ साथ ये चंद ही ऐसे लोग थे जिनको ये जानकारी थी स्ट्राइक के बारे में, लेकिन अर्णब गोस्वामी को इससे पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। ऐसे में जो बार्क के CEO थे, ex-CEO, उन्होंने ये बात पूछी भी थी कि ये कोई बड़ा होने वाला है तो ये दाऊद से रिलेटेड है, तो उसमें साफ लिखा गया था कि नहीं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा अविंद, इस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो चैट वायरल हुई है वो अर्णब गोस्वामी की ही है या नहीं है, ये एक बार को देखना पड़ जाएगा। बिल्कुल, इस पे एक चीज़ और गौर करने वाली है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, जो बार्क वाला जो केस चल रहा है उसमें ये चैट उन्होंने दस्तावेज के रूप में लगाई है। वो चैट्स के जितने भी पेजेस हैं वो उन दस्तावेजों के साथ पेश किए गए हैं, कोर्ट के सामने रखे गए हैं। तो अगर ये वो व्हाट्सएप चैट है तो क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पर मायने रखती है कि अगर मुंबई पुलिस ने अगर सही क्रेडिबिलिटी सोर्सेज से वो चैट उठाई है, वो चैट दी है, तो ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि किसी की भी चैट इतने समय बाद कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। जब हम लोगों को कहा जाता है, हम लोगों को बताया जाता है, व्हाट्सएप की तरफ से भी इस तरीके की बातें चल रही थी कि प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है जो भी हमारी चैट्स होती हैं, लेकिन अगर ऐसे में किसी की भी चैट को अगर हम एक्सेस कर सकते हैं तो ऐसे में टॉप ऑफिशियल्स की भी चैट एक्सेस कर सकते हैं, किसी की भी चैट एक्सेस की जा सकती है। तो यहाँ प्राइवेसी के साथ साथ एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ ये बहुत बड़ी चीज़ होती जाती है। जैसे जैसे हम परतों को निकालते चले जाते हैं, परतों को लटते चले जाते हैं, तो प्रद्युम्न ये बड़ा होता दिखता है, ये कितना बड़ा चीज़, कितना बड़ा खेल चल रहा है। हमारी प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर सवालों के घेरे में आती है कि ऐसे आदमी की अगर चैट लीक हो सकती है तो किसी की भी चैट लीक हो सकती है, किसी बड़े ऑफिशियल की चैट लीक हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं चैट लीक हुई है, चैट में आपने देखा है हम लोग अब जब भी चैट देख भी रहे थे उसमें AS नाम का शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है और बड़े ही दिग्गज नेता है जिनके साथ उस नाम को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से तो नहीं आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इतनी बड़ी स्ट्राइक होनी थी, कुछ भी होना था, उसकी जानकारी अगर वो चैट जो वायरल हुई है वो सच है तो अर्णब गोस्वामी तक वो जानकारी कैसे पहुंचती है। उस चैट में ये भी लिखा गया है कि रजत शर्मा उनके पीछे पड़े हुए हैं तो PMO से फोन करवा के दबाव डलवाएं और उस जो रजिस्टर उनके पीछे पड़े हुए हैं उस बात को खत्म कराए। तो आप ये सोचिए कि ऐसे पत्रकार हैं जिनका डायरेक्ट संपर्क PMO से भी है। जी बिल्कुल, और यहाँ फेयर एंड फेवर की बात करने वाले ऐसे तथा कथित नेशनलिस्ट पत्रकारों की हम बात करें, यहाँ पर सीधे सीधे अर्णब गोस्वामी की। अर्णब गोस्वामी जब पार्थो दास गुप्ता जो ex-CEO हैं बार्क के उनसे बात करते हैं तो इसमें फेवर की भी बात चल रही है, क्योंकि इसमें देखा होगा आपने कि ex-CEO उनसे कह रहे हैं कि इसके बदले में जो ये जानकारियां जो इधर उधर हो रही है, जो खेल जो TRP का जो पूरा इधर से उधर होता है, इसमें वो कह रहे हैं कि PMO में एक मीडिया एडवाइजर की तरह उनको शायद पदस्थ कर दिया जाए। तो इसमें अर्णब गोस्वामी भी कहते हैं ठीक है, बात करते हैं, इस लहजे में वो समझाते हैं। तो ये बहुत डरावना सा लगता है कि एक बड़ा पत्रकार जिसको लोगों की आवाज बनना है, जिसको लोगों की आवाज उठानी है, जो अपने आप को एक वॉचडॉग बोलता है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट बताता है, वो PMO से एक्सेस रखता है और इस तरीके का जो खेल है, इस तरीके का जो नेक्सस है वो देखने को मिलता है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है लेकिन इतने बड़े लेवल पे ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं। पत्रकार का काम होता है खबरों को पहुंचाना, बिल्कुल, सही बिल्कुल। तरीके से पहुंचाना और लोगों को बेवकूफ जो लोग बना रहे हैं उससे बचाना। लेकिन अब जो पत्रकारिता हो रही है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तो नहीं बोली जा सकती है, कहीं ना कहीं पक्ष लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चलिए वो अलग दायरा है। लेकिन जिस तरीके से चैट वायरल हो रही है, दबाव डलवाने की बात कही जा रही है, पहले से जानकारी भी है, तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो जाते हैं क्योंकि देश की जब सुरक्षा की बात आती है और एक पत्रकार के पास सारी जानकारी है तो ऐसे और भी लोग होंगे जिनके पास ये जानकारी आराम से उपलब्ध हो जाएगी। तो देश की सुरक्षा में एक सेंध लग रही है, पत्रकार लगा रहे हैं, और लोगों के नाम अभी खुलासे होंगे वो लोग लगा रहे हैं,
बार के एक्स सीईओ जो अभी पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, ऐसे में वो भी साफ तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। बार में जो लगातार जिस तरीके का टीआरपी घोटाला हुआ था, उस घोटाले में भी काफी सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन कोई साफ तौर से सामने नहीं आता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर इतनी उंगली उठाई जाती है, अब ये उंगली उठी है, लेकिन कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो इसके लिए आवाज उठाए, चाहे किसी भी चैनल की बात कर लीजिए। लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐसे मुद्दों पर तमाम तरीके से अपनी राय रखता है और लोगों तक बात पहुंचाने का काम न्यूज वर्ल्ड इंडिया स्पष्ट तौर पर और निष्पक्ष तौर पर यहां पर करता है। जब भी आज हम ये मुद्दा मैं अपने सहयोगी के साथ लेकर आया हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कविंद्र, जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लग रही है और बड़े ही आराम से लगाई जा रही है। बिल्कुल प्रद्युम्न, जैसे कि इस बात को आपकी बात को मैं आगे ले जाता हूं, आगे बढ़ाते हूं, जैसे कि आपने बताया हमारी जो कि टैगलाइन भी है कि पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, बिल्कुल, तो निष्पक्षता के साथ हम लोगों को दिखाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन आपने एक चाल समझी होगी, अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, जब खुद सवालों के घेरे में है तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, इसको सीधे ले गए हैं जो हमेशा करते आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया से सीधे पाकिस्तान ले गए, क्योंकि वहां के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि ये जो घटना है, ये जो पुलवामा अटैक्स जो हुए थे, इसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, ये सब इन लोगों की स्वघोषित जो भी है साजिश है, ये लोग खुद से कर रहे हैं, उनका काम है वो करेंगे, वो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारे बारे में दो मीठी बातें बोलेंगे, उनसे खीर की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से पूरे मुद्दे को चालाकी से डाइवर्ट किया, अर्णव गोस्वामी ने ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो उन्हें फंसा रहा है और पाकिस्तान उन्हें फंसा रहा है, और उन्होंने ये दिखाया कि जो भारत में जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं वो दरअसल उनकी गोद में बैठे, वो जो भारत में उनसे सवाल कर रहे हैं उनको, जो आजकल ट्रेंड है ना कि खालिस्तानी बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं, एंटी नेशनल बता देते हैं, ये जो टैग फेक फेक के जो मारे जाते हैं, जो सर्टिफिकेशन का जो कोर्स करवा दिया जाता है मिनटों में और सेकंडों में, यही खेल दोबारा खेला शुरू हो गया। अर्णव गोस्वामी ने सीधे बोल दिया है कि पाकिस्तान जो है वो इस साजिश के पीछे, उनको फंसाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान कर रहा है, और जो भारत में जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब आप सवाल करेंगे, आप उंगली उठाएंगे, आप कहेंगे कि भारत इस तरीके से पूछता है, इस तरीके से भारत पूछ रहा है, वो सही है, आप लोगों की आवाज है, आप लोगों की वॉइस है, लेकिन जब आप सवालों के घेरे में घिरते हैं, लोग जब पलट के आपसे पूछते हैं कि भैया ये क्या किया आपने, तो आप कह देते हैं कि नहीं ये तो एजेंडा पाकिस्तान का है, क्योंकि नेशनलिस्ट जो है, ये जो स्वघोषित जो राष्ट्रवाद है, इसकी बपौती आपने इस बना ली है, इसके जो कस्टोडियंस है वो अपने आप को समझ लिया है, कहीं से ये कोर्स कराया नहीं जाता है, दर्शकों को बता दें ये कहीं से दिया नहीं जाता है सर्टिफिकेट कि आप नेशनलिस्ट हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, अगर सड़क पर पड़ा हुआ है कागज का टुकड़ा भी आप देख रहे हैं कि कचड़े के रूप में वहां पड़ा है, उसे उठा के अगर आप डस्टबिन में डाल रहे हैं तो वो भी राष्ट्रवाद है, बिल्कुल, वो भी हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति की शक्ल में लाता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से अपने आपको राष्ट्रवाद बताते हैं, और चैट अगर ये असली है, क्योंकि अभी हम इसको कथित बोल रहे हैं, कथित व्हाट्सएप चैट लीक बोल रहे हैं, अगर ये असली होती है तो ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान जिसमें दुश्मन देश से हमारा मुकाबला है, जिसमें दुश्मन देश के ऊपर हम कोई भी अटैक करने जा रहे हैं, ये बहुत प्राइवेट चीजें होती हैं, ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा मंत्रियों को भी ना पता हो, नहीं पता, उनकी कैबिनेट में भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये पीएमओ लेवल से होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से होती है, जहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं और सेना अध्यक्ष इन्वॉल्व होते हैं, केवल ये लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन चीजों में, और वो एक टीवी के पत्रकार को पता हो, ये चीज सोचिए आप, वो पार्थोदास गुप्ता को जब बता रहे हैं तो पार्थोदास गुप्ता अगर इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं और लीक कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ये खेल मेरी समझ में तो आता नहीं है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आप प्रद्युम्न बेहतर समझते नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब बात ये हो गई है कि खबर देने वाला खुद खबर बन रहा है, और पहले भी देखा गया था जब अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब वो रिहा हुए थे तो कितनी जनसंख्या उनके लिए उनके समर्थन में पहुंची थी और वो गाड़ी से निकलकर हाथ लहरा रहे थे, तो अपने आप में एक चीज समझ में आ जाती है। और अगर वो चैट सही है तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार वो उन तक ये जानकारी पहुंची कैसे। क्या काविंद्र आपको लगता है कि जिस शख्स का हाथ पीएमओ तक जाता है उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, ये चीज़ सोचने समझने बातें करने डिबेट करने बहस करने में तो अच्छी लगती है, इसको समझा भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचने बैठेंगे, जो आदमी पीएमओ तक अपनी रीच रखता हो उस पर किसी भी कानूनी कार्रवाई बहुत मजाकिया और हास्यास्पद हो जाता है मेरे ख्याल से। आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को कि कोई आदमी जिसकी पीएमओ तक रीच होगी, हमारे आप सिटीज़ में ले लीजिए, शहर में ले लीजिए, जिस आदमी की दरोगा से पहचान होती है वो भी कानून की धज्जियां उड़ाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ता। ये तो पीएमओ की बात है, यहाँ तो पीएमओ की बात आ रही है, जो देश का सबसे ऊपर, इससे ऊपर तो कुछ हो भी नहीं सकता। जब उसकी उस लेवल में पहुंच होगी तो वहां कानूनी प्रक्रिया की बात करना बिल्कुल निराधार हो जाता है, बिल्कुल मजाकिया और हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकारिता,
टीवी डिबेट और इन चीज़ों के बढ़ने की तरफ बढ़ रहे थे। सोशल मीडिया के आ जाने से पहले क्या होता था प्रद्युम्न, कि पहले सोशल मीडिया पर कुछ गलत चीज़ें पड़ती थी और टीवी मीडिया जो था वो बताता था, पत्रकार बताता था कि नहीं ये गलत है ये सही है। आजकल क्या हो रहा है कि ये गलत हो रहा है और सोशल मीडिया बता रहा है कि वहाँ देखिए ये गलत हो रहा है। अभी रवीश कुमार दूसरे जो इनके अपोजिट बताए जाते हैं, जो ऐसी बातें चलती हैं कि अपोजिट पत्रकार हैं इनकी दूसरी विचारधारा के हैं, उन्होंने भी फेक न्यूज़ चला दी, बाद में आए फिर अपोलोजाइज किया, नाम गलत ले लिए थे, मुस्लिम को हिंदू बता दिया था, हिंदू को मुस्लिम, ऐसे करके उन्होंने गलती की, फिर बाद में आके अपोलोजाइज करना पड़ा। खैर ठीक है, माफ़ी मांगी, वो बेहतर है। इसी तरीके से निधि राजदान, उनको लेकर भी बहुत ट्रॉल्स हुए, बहुत ट्विटर पर ट्रेंड्स चले। निधि राजदान ने पहले बताया था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो दरअसल फिशिंग का शिकार हुई है। ये कितनी मजाक वाली बात है, एक बहुत बड़ी पत्रकार जो लोगों को ज्ञान देते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जो ओपिनियन देते हैं ओपिनियन बेस्ड, क्योंकि डिबेट आजकल ओपिनियन बेस्ड होती है, जो डिबेट में ओपिनियन देते हैं, जो लोगों को समझाते हैं कि देखिए इस तरीके से होना चाहिए, देश में इस तरीके से होना चाहिए, माहौल इस तरीके से बदला जाना चाहिए, और वही तो ऐसी जब चीज़ें होती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्त हो गई हैं और फिर बाद में पता लगता है कि वो फेक है, तो ऐसे में जब आम जनता ये सब देखती होगी, ये सब जब सुनती होगी, तो वो घर पे बैठकर क्या सोचती होगी, उसके मन में क्या आता होगा कि ये लोग बड़े बड़े जो ज्ञान बखारते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, और दूसरी तरफ गलत नाम ले देते हैं। दूसरी तरफ देखिए ऐसा होता है कविंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरे एक झील होती है जहाँ पर एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मीडिया इंडस्ट्री में जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चैट वायरल होना या फिर नाम गलत ले लेना, ये आमतौर पर एक प्रोपोगंडा सा भी हो गया है, और जितना आप दिखेंगे उतना आप बिकेंगे, वो वाली चीज हो रही है। तो अब चैट वायरल हुई, अर्णब गोस्वामी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब किस पे दिया, पाकिस्तान पे, तो वो रिएक्शन इस पे नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में भी उनकी बात चले। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, चाहे बार की बात करते हैं, टीआरपी घोटाले की बात करते हैं, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तमाम बातचीत चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसा ही अब ये मुद्दा आ गया है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने 5 मिनट से ज्यादा इस मामले पर कवरेज की हो, बातचीत की हो। क्यों? क्योंकि उनको यह डर रहता है कि अगर हमने इसके ऊपर कोई कवरेज की तो कल को हमारे ऊपर गाज ना गिर जाए, तो वो गाज बचाने के चक्कर में देश की जो सिक्योरिटी है उसको दांव पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि बीते अक्टूबर से ये चीज़ हुई, बीते अक्टूबर से जब एक हंसा ग्रुप जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर बार कहता है कि उनके टीआरपी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि टीआरपी लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, टीआरपी के आधार पर ही एडवर्टाइजर्स जो है वो एडवर्टीजमेंट देते हैं। टीआरपी कैसे एक मानक होता है कि इतने इतने टीवी सेट्स जो है स्टैंडर्ड टीवी सेट्स लगाए जाएंगे, उनके आधार पर ये देखा जाता है कि आप घर पर क्या देख रहे हैं, आप टीवी में दरअसल उस समय क्या देख रहे हैं, तो उस आधार पर एक टीआरपी चार्ट बनता है, टीआरपी रेटिंग्स बनती हैं, उसको देखकर जो एडवर्टाइजर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गेम होता है, और ऐसे में अगर इसमें कोई सेंधमारी कर लेता है तो कितना आसान है एडवर्टाइजमेंट्स लेना, कितना आसान है। इसमें आप ये नहीं दिखाया जा सकता कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, आपकी ऑडियंस कितनी है, बस कुछ आंकड़ों में छेड़छाड़ कीजिए और एडवर्टाइजर्स को भेजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और एडवर्टाइजमेंट्स आपके पास चल के आ जाते हैं। तो अक्टूबर में दरअसल इसी चीज़ पर भंडाफोड़ हुआ था, इसके बाद रिपब्लिक टीवी का नाम आया था, बिल्कुल आज तक का भी नाम आया था, जो बड़े बहुत बड़े चैनल्स हैं देश के, तो उनका नाम आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जांच भी चली, काफ़ी लंबे वक्त जांच चली और जांच अभी भी चल रही है। और ऐसे में अब उसी चार्जशीट के एक्सटेंडेड वर्जन में ये चीज़ आ जाती है कि व्हाट्सएप चैट भी है, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और फिर ऐसे में प्रद्युम्न क्या हुआ है कि विपक्षी पार्टियां एज यूजुअल, जैसा कि होता है कि विपक्ष के पक्ष की कोई बात होती है तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है और उधर की बात होती है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि शिवसेना जब से भाजपा से अलग हुई है तब से पार्टी की विचारधारा और क्या है सारा एंगल चेंज हो गया है। तो ऐसे में जो उनके प्रवक्ता हैं शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने बयान दिया, संजय राउत कहते हैं प्रद्युम्न कि अर्णब गोस्वामी ने जो किया वो एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है, उन पर जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा संजय राउत ने कहा। और जब संजय राउत ने ऐसा कहा तो ये चीज बड़ी हो गई, कैसे बड़ी हो गई, क्योंकि विपक्ष ने भी फिर घेरना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने, सुरजेवाला ने, कांग्रेस के बड़े नेता सुरजेवाला जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के एक साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक मजाक बनाया जा रहा है, ऐसे में उस पत्रकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पहली नजर में तो सही लगता है कि अगर ऐसी व्हाट्सएप चैट है और वो असल है और वो असली है तो उन पर जांच तो होनी चाहिए।
कांग्रेस का ये भी बयान आया था कि अर्नब गोस्वामी अगर कांग्रेस की पार्टी के होते तो बीजेपी वाले उनका जीना मुश्किल कर देते, लेकिन अब वो उस पार्टी के लोग हैं क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर बोलती है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं अर्नब, वो खुलेआम करते हैं, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन वो पार्टी चुप है, लोग चुप है, जनता चुप है, जनता को क्योंकि कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, कोई चैनल कवरेज नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि अगर ये हकीकत में है, ऐसा हुआ है, चैट मैं जो भी नाम लिए गए चाहे पीएमओ हो, चाहे वो दो शब्द ए और एस हो, वो किससे संबंधित रखते हैं, किससे संबंध है उन शब्दों का, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, और अगर वो हकीकत है तो वो वाकई बहुत दिग्गज नाम है अपने आप में। ऐसे में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना काविंद्र कि आने वाले समय में आपको लगता है कि, मैं इस सवाल को फिर से दोहराऊंगा कि जिसकी पीएमओ तक रीच है उस पर कोई कार्रवाई भी हो पाएगी? बिल्कुल, ये मुमकिन नहीं लगता, पहली नजर में ही ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी। आपने जैसे कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस के लिए हम लोग जब प्रद्युम्न बैठते हैं, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग खबरें लिखते हैं, तो हम लोग जब खबरों के तहकीकात करते हैं चीजों पर, तो एक चीज हम समझते हैं क्योंकि हम पक्ष की और विपक्ष की बात नहीं करते, निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन देश के लिए विपक्ष भी उतना ही अहम है जितनी अहम यहां पर पक्ष, मतलब सरकार की बात कर रहा हूं मैं, तो सरकार भी उतनी अहम है, उतना ही अहम विपक्ष भी है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बात कहता तो जरूरी बन जाता है, कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर घेरना नहीं जानती, क्योंकि अगर भाजपा होती, अगर भाजपा होती प्रद्युम्न, तो भाजपा बहुत बुरा घेर लेती है, भाजपा महंगाई के मुद्दे पर बहुत बुरा घेर लेती है। कांग्रेस की दशा दरअसल ये हो गई है कि कांग्रेस एक मुद्दे को जकड़ ही नहीं पाती, कांग्रेस भारत बंद नहीं करा सकती, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, दावा करती है, लेकिन अगर किसी मुद्दे के वो खिलाफ है तो वो एक आंदोलन की शक्ल नहीं ले पाती, आवाज नहीं उठा पाती। ये बात बहुत सही आपने अभी बताई, जो आपने एक बयान जारी बयान वाली बात कही है कि अगर यही घटना कांग्रेस राज में हुई होती और भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष में होती तो इस मुद्दे को कितना बड़ा बना दिया जाता है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसा ही किया, जब वो बड़े रूप में भी नहीं थे, जब उन्होंने सरकार का इतना लंबा वक्त, इतना जो सत्तासीन जो होता है उसको चखा भी नहीं था, उसका देखा भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस जो 10 साल अभी आज से जो इससे पहले सरकार थी वो कांग्रेस थी, 10 साल कांग्रेस रही, फिर उसके बाद बीजेपी ने टर्म रिपीट किया, लेकिन कांग्रेस से इतना बड़ा सत्ता का जो मजा चखा, इतना मजा सत्ता की जो सीट पर जो आसीन रही, उसके बाद आज उसकी पृष्ठभूमि ये है, ग्रास रूट पे वो इस तरीके से है कि वो एक आंदोलन की शक्ल नहीं ले सकती, वो अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने में जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आ पाती, क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमतर आप समझ सकते हैं इसको, अगर मैं बिल्कुल कड़ाई भाषा में शब्द इस्तेमाल करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस अगर सही तरीके से और सही ढंग से और एकजुटता दिखाकर इस मुद्दे को उठाती है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है उस पर सेंध लगने से जरूर बचाया जा सकता है। फिलहाल अब कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल भी की जा रही है, ये समय बताएगा कि ऐसे शख्स पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।